होती है क्या? मोदी जी तक दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, 300 पार का मुट्ठी का विजय के संकल्प का मुट्ठी पीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और युवा सांसद, लोकप्रिय नेता भाई हरेश द्विवेदी जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान महेश शुक्ला जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, और आज हरैया की बड़ी सभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, कुछ दिन पहले बस्ती आया था मैं, खेल कुम था, मगर शाम को हेलीकॉप्टर जल्दी उड़ना था, ज्यादा रुक नहीं सकता। ये हमारे हरीश भाई है, हमें बुलाते ही नहीं है तो आए कहां से भाई, मगर इस बार चुनाव है तो आपके यहां आने का मौका मिल गया। हरैया वालों को मिलकर मन को बहुत बहुत आनंद होता है। ये जो भूमि है, ये जो भूमि है, इस भूमि पर आचार्य वशिष्ठ ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। भगवान राम और लक्ष्मण, इनको राम और लक्ष्मण बनाने की शिक्षा यही हरैया और बस्ती की भूमि पर दी गई। संत कबीर ने शरीर छोड़ने के लिए भी यही भूमि को पसंद किया और गोरखनाथ जी ने भी यही भूमि को पसंद किया। मित्रों, पवित्र भूमि है, इस भूमि को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। राम रेखा मंदिर, मखोड़ा धाम मंदिर, महर्षि श्रृंगेरी ऋषि की ये धरती सालों तक पूरे भारत को प्रेम, भाईचारा और अध्यात्म का संदेश भेजती रही। इस भूमि में आकर साथ अर्थ में हरैया वालों, दिल गदगद हो जाए ऐसी अनुभूति होती है। माताओं, भाइयों, बहनों, यूपी के चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, 10 मार्च के पहले परिणाम बता दूं, पीछे वाले बोलो बता दूं, दाहिने कोने वाले बोलो बता दूं, माताएं बोले बता दूं क्या? 4 चरण में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 4 चरण के मतदाताओं ने एक मजबूत नींव डालने का काम किया है, बस्ती और हरैया वालों ने मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम अब आगे करना। बस्ती जिले की जनता को मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि होली के पहले फिर से एक बार यहां से 5 कमल मोदी जी की झोली में भेज दीजिए, 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी को। हम आए थे 2017 में, मैं पूछता था लोगों को, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछता था, ये उत्तर प्रदेश वालों का तो मुझ पर बहुत कृपा है भाई। मैं प्रभारी बनकर आया, 80 में से आपने लोकसभा में 73 सीटें दी थी, अध्यक्ष बनकर आया 325 सीटें दे दी, फिर से अध्यक्ष बनकर आया 65 सीटें दे दी, अब गृह मंत्री बनकर आया हूं, फिर से एक बार मजबूत सरकार बना दीजिए।
मैं उस वक्त पूछता था कि यूपी वालों हमें क्या करना है जरा बताइए। सभी लोग ये कहते थे कि तनिक विकास कम होगा तो चलेगा, ये बाहुबली माफियाओं से हमें मुक्ति दिला दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? ये माताएं बहने कहती थी घर में बिजली नहीं है, बिजली का वायर डलवा दो। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं कहता हूं 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। का भाव बढ़ाकर हमने गन्ना किसानों का भला करने का काम किया है। सपा के शासन में बस्ती और मुंडरेवा सुगर मिले बंद हो गई थी, हमने 20 चिल्ड्रन मिलों का विस्तार और आधुनिकरण किया है। पिपराइज और मुंडरेवा में नई चीनी मिलें लगाकर किसानों को अपना गन्ना बेचने का नया स्थान दिया। 20 चीनी मिलों का विस्तार करने का काम किया है। 1,57,000 करोड़ रुपया, 1,57,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और सपा बसपा के 15 साल में 1,32,000 करोड़ और दूसरी ओर भाजपा के 5 साल में 1,57,000 करोड़ रुपया, ये कितना बड़ा बढ़ोतरी करने का काम मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,57,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डायरेक्ट भेज देते हैं, फिर डायरेक्ट भेजते हैं 47,000 करोड़ रुपया, अरे सॉरी माफ करना 42,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने अब तक भेजा। गेहूं और धान की खरीदी 1,41,000 करोड़ रुपया की, गेहूं और धान की खरीदी कर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों मैं आज को बताने आया हूं, ये पूरा पूर्वांचल दो चीजों से बड़ा परेशान था, एक मच्छर से थे या नहीं थे जोर से बोलो भाई, और दूसरा माफिया से। 5 साल में मच्छर और माफिया दोनों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिमागी बुखार से हजारों की संख्या में बच्चे मारे जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक प्रभावित सभी जनपदों में पीडियाट्रिक वार्ड बनाए, आईसीयू बनाए और दिमागी बुखार के इलाज के सेंटर स्थापित करने का काम किया। हर घर को शौचालय दिया। उत्तर प्रदेश में 2,40,00,000 माताओं को शौचालय। भाई जोर से बोलो कहां है अतीक अहमद, कहां है मुख्तार अंसारी, कहां है? अगर बस्ती वालों हरैया वालों गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तो क्या करना है? कमल के फूल पर बटन दबाना है भाई, कमल के फूल पर। पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता है, एक भी, हर जगह पे बजरंगबली ही बजरंगबली दिखाई पड़ता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों ये सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को गर्त के अंदर डालने का काम किया। इतना बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा भूभाग, 8वें-9वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, कितने नंबर की थी? 5 ही साल में योगी जी ने 9वें नंबर से 2रे नंबर पर लाने का काम किया।
अरे ताली मत बजाओ हरैया वालों, एक बार हमारे प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी को जिता दो, एक दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम 2 गुना कर उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, समृद्ध माताओं भाइयों बहनों, ये पूरब का क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है। गन्ने के दाम तो तभी बढ़ते हैं जब चीनी के दाम बढ़े। ये कांग्रेस की सरकार चलती थी सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में, और यहां सपा बसपा की सरकार चलती थी, वो रॉ शुगर इंपोर्ट कर लेते थे, यहां चीनी के दाम नीचे घट जाते। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रॉ शुगर के इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी डालकर हमारे गन्ना किसानों को रेट मिले इसकी व्यवस्था की है। इथेनॉल का भाव बढ़ाकर हमने इथेनॉल